टीम दे रही है कि कारगिल की लड़ाई जब शुरू हुई थी और उसके बाद जब खत्म हुई थी, उस अनिश्चितता के दौर में बाजार ने दरअसल 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था। तो मार्केट फिर आपको लगता है क्या, अच्छे शेयर अगर किसी वजह से नीचे मिलते हैं तो वो खरीदारी करने का बेहतरीन मौका देंगे, और आप जैसे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो अच्छे स्टॉक्स सस्ते भाव पर मिलेंगे तो खरीदेंगे? यस एग्जैक्टली आई एक्सप्लेन द सेम पॉइंट कि मार्केट यहाँ से 10,500 के नीचे तोड़ के आता है तो डेफिनेटली इट वुड बी बाइंग लिस्ट रेडी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड वो बाई करना जरूरी बनता है, क्योंकि उसके बाद में जो मार्केट में रैली आती है या रिकवरी आती है वो काफी शार्प रिकवरी रहती है। सर्टनली आई थिंक दैट पार्ट इज डेफिनेटली अंडरस्टूड। ये करेक्शन जो आता है मार्केट के अंदर फॉल के साथ में, तो दैट वुड बी अ बाय अपॉर्चुनिटी। ओके, आप कह रहे हैं कि एक बाय की अपॉर्चुनिटी रहेगी जब बाजार इन खबरों से रिकवर होगा, लेकिन 10,750 का। गुड मॉर्निंग, क्या है आपका असेसमेंट, क्या होनी चाहिए अब आपकी स्ट्रेटेजी बाजार में? भसीन साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी भसीन साहब, क्या है आपका असेसमेंट इस परिस्थिति को, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए मैं तो कहूंगा कि इट वॉज डिड फॉर डैट, और अच्छा हर इंडियन वेट कर रहा था कि कब हम रिएक्ट करें, लेकिन इसमें एक चीज अच्छी है कि जो अनसर्टेनिटी थी वो ओवर हो गई और जो डैमेज होना है आई थिंक दो दिन में हो जाएगा। मुझे मेरे हिसाब से जितनी जल्दी हो जाए और इसमें वापस वी गेट बैक ऑन अ लॉट ऑफ यू नो फर्दर लुकिंग टर्म्स दैट वुड बी बेटर। तो आई वुड से एक जो इवेंट है वो हो चुका है, मार्केट में एक नीजक रिएक्शन आएगा और मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज एक अनसर्टनिटी जो थी इवेंट की वो खत्म हो गई है और आगे जाते हुए एक ग्लोबल रैली है जिसमें इंडिया विल पार्टिसिपेट। सो आई थिंक एज अ पेट्रियोटिक फॉरवर्ड आई विल नॉट मेक एनी मोर कमेंट्स। आई एम हैप्पी दैट वी हैव गिवन अ टिट फॉर टैट एंड वील टेक इट फ्रॉम देयर। वो गावा साहब के में है अब 10,820, तो थोड़ा दबाव बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। इस बीच भसीन साहब हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। शैल जी, आप अपना सवाल फिर से पूछिए। जी भसीन साहब, आप कारगिल के दौर से गुजरे हैं और उस वक्त काफी बाजार में गिरावट आई थी, बहुत अच्छे नामचीन शेयर जो थे वो काफी सस्ते मिले थे। इस वक्त अगर आपका ध्यान केंद्रित हो बाजार पे, कौन से ऐसे शेयर हैं जिसपे आप अपना पैसा लगाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये दो तीन बार इंसिडेंट हो चुके हैं, तो मैं तो दावे से कहता हूँ कि लार्ज कैप मिड कैप जो भी है लीजिए, इस समय आपको पैसा लगाना चाहिए। अनसर्टेनिटी अब एक ही रह गई जो इलेक्शन की है और उसके बाद 13,000 का निफ्टी होएगा, तो अगर आप शेयर बाजार में रहना चाहते हैं तो ये फियर का मौका आपके लिए लास्ट है लेने के लिए। इस समय जो आपको अच्छे शेयर लगे, चाहे वो कंजम्पशन हो, ऑटो हो, मेटल्स हो, बिकॉज एक आप ये लेके चलिए ग्लोबल रैली इज वेरी वेरी स्ट्रांग और उसका इफेक्ट हमें पता नहीं लगेगा जब तक हमारे यहाँ ये इवेंट डिस्काउंट होएगा। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द मार्केट एंड आई कैन थंब द टेबल दैट 13,500 to 14,000 बाय द ईयर एंड ऑन निफ्टी। मिड कैप के शेयर तो यहाँ से दुगने हो जाएंगे। नाम लेने के लिए आपको मैंने कहा है ऑटो मेटल कंजम्पशन विल बी द थीम, और उसमें आप एक बास्केट लीजिए, म्यूचुअल फंड लीजिए, बट प्लीज गेट इन्वेस्टेड। जी भसीन साहब, इस वक्त निफ्टी जो है वो 10,800 के स्तर से नीचे गिर चुका है, अगर ये बात एक दिन की नहीं रही और ये स्ट्रेच कर जाती है तो आप कहां तक देखते हैं कि निफ्टी में आपको सेलिंग दिखती है? नहीं देखिए, वो तो मार्केट की अपनी मूवमेंट है जिसकी वॉलेटिलिटी मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। फॉर मी इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट दैट वी हैव रिटेलिएटेड एंड गिवन ट्रीट फॉर दैट एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग लाइन डाउन। आई थिंक दैट इज अ ब्रॉडर सेंस। सेकेंडली, इवेंट डिस्काउंट हो गया, हिस्टोरिकली मुझे 30 साल हो गए मार्केट में, मुझे लगता है ये रिएक्शन एक या डेढ़ दिन से ज्यादा नहीं रहेगा। यू विल सी अ इक्वली शार्प बाउंस बैक एंड आई डोंट सी दिस एस्केलेटिंग बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव द वेयरविदऑल टू कंटिन्यू एनी प्रोलॉन्ग बैटल। दे आर ऑलरेडी गोइंग ऑल यू हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज विद अफगानिस्तान ऑन वन साइड, ईरान ऑन वन साइड एंड दे कैनॉट अफोर्ड टू डू दिस। सो लीव असाइड दैट, आई थिंक अगेन निफ्टी में मैं फाइंड एक्सट्रीमली गुड सपोर्ट अराउंड 10,700 and I like I said don't wait for the timing because you'll be astounded on the upside
बात है बाप। और आप देखिए इस समय 10,800 के नीचे अब हम खुलने की तैयारी कर रहे हैं। जहां एसजेक्स निफ्टी दिखा रहा था कि आज भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। 100 पॉइंट नीचे निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपनिंग का दिखा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कमज़ोर क्वालिटी के स्टॉक्स, जो वीक स्टॉक्स हैं, जहाँ हाई डेट है, जहाँ प्लेज वाले इशूज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरते हुए नज़र आएंगे। मजबूत शेयरों में ही खरीदारी करिएगा। पिटे हुए जो कमज़ोर क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, जो पिछले कुछ दिनों में उछल रहे थे, आज उनके लिए भारी मुश्किल भरा दिन हो सकता है। लेकिन बाइंग लार्ज कैप्स में करिएगा, लॉन्ग टर्म के लिहाज से करिएगा और